Hello everyone, welcome to evidarth.in. This is Varsha. Starting this video का topic है the beginning of farming and herding, यानी कि पशुपालन और कृषि की शुरुआत. So change हो रहे थे हमारे environment में, हमारे पर्यावरण में, जिसकी वजह से बहुत सारे changes देखने को मिले. जैसे कि grassland का development हुआ. Grassland के development से जो grass eating हमारे animals थे वो ज्यादा नंबर में बढ़े, और उनका जब नंबर ज्यादा बढ़ा तो लोगों के अंदर उन्हें पालने की इच्छा जागृत हुई, वो पालना उन्हें चाहते थे. साथ ही साथ दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब क्या हो रहा था कि यही वो टाइम था जब लोगों ने देखा कि बहुत सारे ग्रास जो थे, जो बहुत सारे ग्रास थे जो कि ग्रेन बेयर करते हैं, अनाज बेयर करते हैं, वो भी क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर. वो कौन कौन से ग्रासेस थे हमारे, वीट, बार्ले एंड राइस. तो ये सब भी ग्रो करना स्टार्ट हो चुके थे. इनके अंदर अनाजें लगती थी जो कि एज अ फूड वी कैन ईट, हम इन्हें फूड की तरह खा सकते हैं. People gathered these food and in process learned where they grew, when they ripened. तो जब ये लोग इनको इकट्ठा कर रहे थे, जब इनको खाने के लिए गैदर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कैसी मिट्टी है, पर्यावरण कैसा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये जो हमारे क्रॉप्स है, जो हमारे प्लांट्स है, वो किस टाइम पे राइप कर रहे हैं, यानी किस टाइम पे इनके अंदर फल आ जा रहे हैं, अनाज आ जा रही है. सो दिस वाज द वन थिंग. सेकेंड थिंग, जब इनको पता चल गया कि ये जो अनाज है वो इस टाइम में लग रहे हैं और ये वाले अनाज दूसरे टाइम में, सो दे स्टार्टेड टू स्टोर इट. साथ ही साथ जब उन्होंने ये देखा कि इन्हीं अनाजों को, इन्हीं ग्रासेस को जब एनिमल्स खा रहे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अपने शेल्टर्स के आसपास थोड़े बहुत दाने रख दिए, सीड्स रख दिए, ताकि वो लोग लर कर सके, यानी लुभा सके उन एनिमल्स को जो थोड़े कम आक्रामक थे, थोड़े कम क्रूअल थे, थोड़े कम यू नो डेंजरस थे. सो पीपल ऑफन सजेक्ट द एनिमल एंड प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय देम. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि प्लांट्स को भी हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, इन प्लांट्स को भी हम खुद से उगा सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं. और उन्होंने जब देखा कि नंबर ऑफ एनिमल्स आर ग्रोइंग, तो उनको अपन पाल भी सकते हैं. तो उनको पालने के लिए उन्होंने क्या किया, लालच देना स्टार्ट किया, ग्रीड देना स्टार्ट किया. और ये जो सिलेक्शन थी इन प्लांट्स और एनिमल की, वो बड़ी ही इंटेलिजेंटली की गई. कैसे, उन एनिमल्स को सिलेक्ट किया गया जो थोड़े से कम हिंसक थे, जो थोड़े कम डेंजरस थे. साथ ही साथ अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को देखोगे, तो उनके जो दांत होते हैं वो ज्यादा, जो केनाइन्स होते हैं वो ज्यादा एलोंगेटेड होते हैं, क्लॉज ज्यादा बड़े होते हैं, दे लुक मोर डेंजरस. लेकिन हमारे एंसेस्टर ने उन एनिमल्स को चूज किया जो स्वभाव से थोड़े शांत थे और हम ह्यूमंस के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं थे. जैसे कि शीप हो गए, जैसे कि आपके डॉग्स हो गए, इन सभी को हमारे एंसेस्टर्स ने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया. सिमिलरली प्लांट्स के साथ भी उन्होंने यही स्टार्ट किया. वो कैसे प्लांट्स के साथ, तो उन्होंने उन्हीं प्लांट्स को चूज किया फॉर डोमेस्टिकेशन जिनके अंदर अच्छी खासी अनाज उग सके, जो कि अनाज बेयरिंग हो, ज्यादा हमें फूड प्रोवाइड करे. सो ये सारा जो प्रोसेस था वो कब स्टार्ट हुआ, दिस प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन बिगिन सम 12,000 years ago. ये जो प्रोसेस था डोमेस्टिकेशन का, वो आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ. सो इट मींस कि जब क्लाइमेट में चेंज आया था, तभी ये सारे चेंजेस आ रहे थे. यानी कि बिगिनिंग कब हुई हमारे फार्मिंग और रेयरिंग की, एट द सेम टाइम इन द एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. जो फर्स्ट हमारा टेम किया हुआ एनिमल था वो डॉग का ही एक एंसेस्टर था, एक पूर्वज था, बट वो वाइल्ड था नेचर में. हमने उसको धीरे धीरे क्या किया, उसको अपने साथ रखा, उसको अपने साथ क्या किया, अब केयर करी उसकी, उसको प्यार दिया, एंड धीरे धीरे वो क्या होता गया, डोमेस्टिकेटेड होता गया. ओके,
Virtually all the plants and animal produces which we eat today are the result of domestication. So जो भी चीजें, जो भी plants या जो भी animals को आज हम खा रहे हैं वो किसका नतीजा है? उसी domestication का नतीजा है जो कि आज से 12,000 साल पहले शुरू हुई थी. So anything you are eating right now वो सभी इस 12,000 साल पहले की गई domestication का ही नतीजा है. So what is domestication? Domestication is the process of adapting wild plants and animals for human use. Domestication वो process है जब हम wild plant और animals को use करते हैं human के लिए और उनको adapt करते हैं human situation के अंदर, तो उसे हम domestication कहते हैं. Domesticated species are raised for food, work, clothing, medicine and many other use. Domestication क्यों की जाती है? For human use. वो uses क्या क्या हो सकते हैं? As a food हम domesticate, for food के लिए हम domestication कर सकते हैं. जो domesticated animals है, जो domesticated plants है, उनको as a food हम use करेंगे. वो जो डोमेस्टिकेटेड चीजें हैं उनको एज अ वर्क भी यूज करते हैं. जैसे हम खच्चर का यूज करते हैं फॉर वर्क, उनको हम उनके ऊपर चीजें डालते हैं एंड दे कैरी देम, तो वो क्या है? वर्क के लिए हमने उसको डोमेस्टिकेट किया. क्लोदिंग, बहुत सारे एनिमल्स की जो स्किन होती है, जैसे शीप हो गई, उससे हम क्या करते हैं? अपने क्लोदिंग का यूज करते हैं. मेडिसिन, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे एलोवेरा है, कितना ज्यादा मेडिसिनल हर्बल क्वालिटी है उसके अंदर. सो ये सभी चीजें क्यों की गई? क्योंकि हमने उन सभी चीजों को डोमेस्टिकेट किया ताकि उसको हम यूज कर सके. डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल मस्ट बी रेज्ड एंड केयर्ड बाय ह्यूमन. ये जितने भी डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल्स होंगे उनको रेज और केयर करना होगा ह्यूमंस को, तभी वो डोमेस्टिकेटेड होंगे, अदरवाइज वो वाइल्ड कहलाएंगे. इसी वजह से जितने भी डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज है वो वाइल्ड नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनकी केयर कर रहे हैं, हम उनको रेज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं. सो एनीथिंग, एनी एनिमल, एनी स्पीशीज विच वी आर डोमेस्टिकेटिंग, वो क्या हो जाते हैं? वो फिर टेम्ड हो जाते हैं, यानी हमारे साथ रहने लगते हैं, हमारे नेचर के साथ ग्रो करने लगते हैं, वो थोड़े से हमारे टूवर्ड्स कम एग्रेसिव होते हैं और इस वजह से उनको हम वाइल्ड नहीं कहते हैं. सो दिस इज योर द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ की, नए लाइफ की शुरुआत हुई है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.